वेलकम 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 स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे सर कौन सा चैप्टर इमरजिंग एरिया आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है चार से पांच नंबर के लिए तो मैं कहता हूं लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो आईसीआई की स्कीम है एकदम आसान चैप्टर है एकदम बढ़िया वाला चैप्टर है मजा आ जाएगा तो सर सबसे पहले जब मैं बात करता हूं इमर्जिंग एरियाज की तो इस टॉपिक की फील क्या है ये टॉपिक की ये फील है कि जब भी एक बिजनेस काम करेगा जब भी एक बिजनेस काम करेगा तो सर उसका काम सिर्फ प्रॉफिट को लेके नहीं होगा उसको बाकी पीपी -पी का भी ख्याल रखना है सर पीपी -पी का ख्याल रखना है यानी सिर्फ पी फॉर प्रॉफिट का नहीं उसको पी फॉर पीपल एंड पी फॉर प्लेनेट का भी ख्याल रखना है यही बात आपने ट्रिपल बॉटम लाइन में भी पढ़ी होगी कॉस्टिंग में सर हमने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं ऐसे परेशान नहीं होते यहां पे आपको सारी की सारी बातें डिटेल में बताई जाएंगी सर व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज अ रिपोर्टिंग अच्छा ये जो रिपोर्टिंग है क्या ये मैं अपने अपने दोस्तों के लिए करता हूं सिर्फ अपने घर वालों के लिए करता हूं या पब्लिक में सबके लिए करता हूं सर पब्लिक में सबके लिए यानी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज अ पब्लिक रिपोर्टिंग अब ये पब्लिक रिपोर्टिंग किसको लेके है तो मैंने कहा इस पब्लिक रिपोर्टिंग में आपको फोकस करना है सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं यानी प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक सिर्फ इकोनॉमिक चीजों पे फोकस नहीं करना आपने फोकस करना है इन्वायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे भी तो क्या इकोनॉमिक एनवायरमेंट और सोशल इंपैक्ट आपने क्रिएट किया क्या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और सोशल इंपैक्ट आपने क्रिएट किया या कॉन्ट्रीब्यूशन किया बल डेवलपमेंट दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जैसी चीजें हम बचपन में, uh, में सीखते थे आपकी जो रिपोर्टिंग है वो ईवीएस के बारे में नहीं है ई एस के बारे में इनवायरमेंट इकोनॉमिक और सोशल कम ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और सोशल इट इज अ पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड सोशल क्या इंपैक्ट और कंट्रीब्यूशन आपने क्रिएट किया टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज क्वेश्चन क्या है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सो टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो रिपोर्टिंग है इसका फायदा क्या है सर तीन फायदे हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं हमें इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट भी पता चलते हैं तो ये कहता है कि हमको समझ आता है कि जो कंपनी ने इंपैक्ट क्रिएट किया वेदर इट वॉज अ सस्टेनेबल इंपैक्ट और नॉट अगर सस्टेनेबल इंपैक्ट है तो ये पता कैसे चलता है जब आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लिंक करते हो तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन से हो गई इकोनॉमिक नॉन फाइनेंशियल हो गए इनवायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट तो यह कहता है इट टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेदर द कंपनी हैज जनरेटेड अ सस्टेनेबल इंपैक्ट लिंकिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अब सर जब परफॉर्मेंस समझेंगे तो समझ आएगा कि कंपनी का फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे है या लॉन्ग टर्म वैल्यू पे है कंपनी का फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे या लॉन्ग टर्म वैल्यू पे यानी इज इट एड्रेसिंग द ईएसजी इश्यूज सर ईएसजी इश्यूज का मतलब है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ शुभम सर ने कल आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था शुभम सर ने कल आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था एग्रोकेमिकल सेक्टर वाला सर इसमें दो कंपनीज थी दो कंपनीज कौन सी थी कंपनी ए और कंपनी बी कंपनी ए और कंपनी बी कंपनी ए ने डिसीजन लिया कि जितने भी रेड लेबल प्रोडक्ट है उनको हम मार्केट से हटाएंगे इसके साथ साथ इसने डिसकंटिन्यू करे येलो लेबल प्रोडक्ट यानी जिसमें केमिकल ज्यादा थे बिचारी के ये करने से क्या हुआ सर इसके अभी रेवेन्यू कम हो गए बट कंपनी बी ने क्या किया कंपनी बी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया कंपनी बी अभी भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स के साथ आगे बढ़ रही है तो मुझे बताओ कंपनी ए और कंपनी बी में कंपनी ए और कंपनी बी में

उसी में इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आप मुझसे पूछो ए में इन्वेस्ट करना है या बी में सर बी गई भाड़ में हम इन्वेस्ट करेंगे ए में, ठीक है इन्वेस्टिंग डिसीजन आर टेकन उसके लिए आप ई को कंसिडर करके

कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज अब जो भी आपने natural resources use करे, जो भी आपने आपने करे, जो करी, और क्या जनरेट किया पॉल्यूशन और वेस्टेज ये सारी चीजों को लेके कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है सोशल का क्या मतलब होता है? हम हम में में जब जब जाते 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 हैं, हैं, हैं? तो क्यों जाते है? ताकि हमारी लोगों के साथ रिलेशन अच्छी रहे ताकि मार्केट में हमारी रेप्यूटेशन अच्छी रहे तो रिलेशनशिप एंड रेप्यूटेशन इज ऑल अबाउट सोशल पीपल एंड द इंस्टीट्यूशन जो भी लेबर रिलेशन है जो भी डायवर्स

इसके बाद सर एक बात बताओ जी की जो रिपोर्टिंग है उसमें हमें डिस्क्लोज क्या करना है यू हैव टू डिस्कलोज द वैल्यू एडेड जो भी वैल्यू आपने एड करी है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इट कैन बी ऑन द फॉर्म ऑफ नंबर नंबर्स का मतलब है डेटा एंड मैट्रिक्स सो यू हैव टू डिस्कलोज द इन्फॉर्मेशन

क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर में क्या आते हैं मैट्रिक्स और केपीआईस केपीआईस मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर एग्जांपल आप इतना बता सकते हो आपने कितना टन ऑफ वेस्टेज को रिसाइकल किया कितनी वेस्ट को रिसाइकल किया ये सब बातें आप बता सकते हो हमें क्या चाहिए दोनों का मिक्सचर चाहिए हमें दोनों का मिक्सचर चाहिए यानी मिक्सड अप्रोच एड्स टू द क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर तो ये आपकी जी रिपोर्टिंग हो जाती है जो बताती है वैल्यू एडेड इन द थ्री एरियाज या आप बता सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड मैट्रिक्स हमें क्वालिटेटिव देने क्वांटिटेटिव दोनों क्वालिटेटिव में कंपनी की पॉलिसी एग्जांपल सीएसआर पॉलिसी वगैरह क्वांटिटेटिव में डेटाज और मैट्रिक्स आ जाते हैं हमें क्या करनी है मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करनी है सो दैट इट एड्स मैक्सिमम वैल्यू टू द पीपल अब मुझे एक बात बताना सारे के सारे बच्चे ई रिपोर्टिंग जो है ई रिपोर्टिंग ये करना जरूरी है इसके अलावा हमने एक और टॉपिक यहां पे डिस्कस किया था सर क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारे बच्चे एक बात बताओ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन से इक्के दुक्के गोल्स है जो हमको याद रखने चाहिए सर एक तो ये नो नो पावर्टी एक तो ये नो पावर्टी याद रखना चाहिए एक गुड हेल्थ याद रखना चाहिए मैंने कहा और बताओ एक हमको क्वालिटी एजुकेशन याद रखना चाहिए मैंने कहा ठीक है ये मोटा माटी दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए मुझे एक बात बताओ इस केस में कॉर्पोरेट्स वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं इस केस में कॉर्पोरेट्स वैल्यू कैसे एड कर सकते हैं हाउ कैन द द्स एड वैल्यू या यू कैन टूवर्ड्सो से हाउ कैन द कॉर्पोरेट्स कॉन्ट्रीब्यूट क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बैक क्वेश्चन में दे रखा है ये क्वेश्चन आपके बैक क्वेश्चन में दे रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हाउ कैन द कॉर्पोरेट्स कॉन्ट्रीब्यूट प्लीज बता दो मुझे कैसे पॉवर्टी हटाएं कैसे हेल्थ अच्छी बनाए कैसे क्वालिटी एजुकेशन लाएं क्या आईसीआई दो कीवर्ड्स क्या चाहता है आपके आंसर में जल्दी से घूम के आओ और बताओ मुझे हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए सब इनकम इनक्वालिटी भी होनी चाहिए ठीक है ये सब दिक्कतें नहीं होनी चाहिए तो मुझे बताओ कैसे कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू इनोवेटिव सोल्यूशन तो ये आपका एक और आंसर मैंने कवर करा दिया ये आपका मैंने एक और आंसर कवर करा दिया ये क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा था आर मे में RTP, 24 में 24 आई ने सवाल पूछा था तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना कॉर्पोरेट कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशन तो ईएसजी की बात हमने कर ली ईएसजी रिपोर्टिंग कवर हो गया और कॉरपोरेट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय इनोवेटिव सोल्यूशन अब सर बात आती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दूसरों के लिए हमारे लिए क्या है सिक्स टाइप्स ऑफ कैपिटल्स सारे बच्चे जल्दी से बता दो मुझे छह टाइप्स ऑफ कैपिटल्स क्या थी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है सर शिमला नहीं है आज से इसका नाम शिमला नहीं है आज से इसका नाम है शिमला वैसे भी मैं यूपी में रहता हूं तो मैं नाम चेंज कर सकता हूं तो शिमला का मतलब क्या था एस फॉर सोशल कैपिटल सोशल कैपिटल का मतलब है अगेन सोशल का मतलब क्या होता है रिलेशनशिप एंड रेप्यूटेशन तो जो रिलेशनशिप और रेप्यूटेशन आप बनाते हो विद पीपल एंड इंस्टीट्यूशन विद द कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर वो सोशल कैपिटल में आ जाते हैं इसी में एग्जाम्पल के तौर पर इसी में एग्जाम्पल के तौर पर अगर आई बोलता है कोई सी एक्टिविटी हुई है इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर कोई हुई है, तो वो किस में जाएगी? जो इंप्लॉइज आपके लिए काम कर रहे हैं क्या उनके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी है क्वालिटी का मतलब स्किल्स एंड एक्सपीरियंस क्वांटिटी का मतलब कैपेसिटी प्लस साथ ही साथ होनी चाहिए लॉयल्टी लॉयल्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये कहता है स्किल्स एक्सपीरियंस कैपेसिटी एंड लॉयल्टी फिर आती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल तो अगर आपकी कंपनी कुछ हाई फाइड टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आ रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है इनोवेशन कर रही है तो वो इसमें आ जाएगी मुझे बताओ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें सर क्या था उसमें इन्होंने एक कस्टमर के लिए ऐप लॉन्च की थी उन्होंने कस्टमर के लिए एक ऐप लॉन्च की थी तो जैसे ही कोई कंपनी कस्टमर के लिए ऐप वगैरह लॉन्च कर रही है कुछ इनोवेटिव काम कर रही है तो वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आ जाएगा फिर आती है सर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल जिससे मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होती है इसमें बात बात करते हैं हम इक्विपमेंट्स की और टूल्स की ना का मतलब क्या था नैचुरल कैपिटल यानी द इनपुट्स दैट यू यूज इसमें आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज करते हो वाटर लैंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा ये इसका पार्ट बन जाएंगे आखिरी में आती है फाइनेंशियल कैपिटल दैट इज इक्विटी प्लस ड तो ये आपके सिक्स टाइप्स ऑफ कैपिटल हो जाते सारे के सारे बच्चे फटाफट फड़ मेरे को रिवाइज करा दो ना व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल सर शिमना शिमना का मतलब है एस फॉर सोशल कैपिटल एच फॉर ह्यूमन कैपिटल आई फॉर इंटेलेक्चुअल कैपिटल एम फॉर मैनुफेक्चर कैपिटल ना का मतलब है नेचुरल कैपिटल एंड आखिरी में आ जाएगी फाइनेंशियल कैपिटल यू गॉट द पॉइंट और नॉट यस सर तो आई आप से आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है या तो बोल देगा बताओ व्हाट आर द फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल कोई भी पांच कैपिटल के नाम लिख दो या फिर आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा जैसा हमने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में किया कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कैपिटल तो सीएसआर एक्टिविटी की बात कर रखी है तो सोशल कैपिटल अगर कुछ इनोवेटिव बात कर रखी है तो आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल का आंसर आ जाएगा यू गॉट द पॉइंट और नॉट यस सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए तो यहां आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वाला पार्ट कवर हो जाता है ये हमने आईसीए का क्वेश्चन कवर कर लिया अब इसके बाद आता है हमारा फेवरेट टॉपिक बड बर्सर का मतलब क्या था बिजनेस सस्टेनेबल रिपोर्टिंग सारे बच्चे बोलो मेरे साथ बिजनेस सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या ये हर कंपनी को करने की जरूरत है नहीं सर टॉप थाउजेंड जो टॉप थाउजेंड लिस्टेड एंटिटीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ उनको बर्सर फाइल करने की जरूरत है इसमें तीन सेक्शन थे ए बी और सी ए में आते हैं जनरल डिस्कलोजर बी में आते हैं मैनेजमेंट की पॉलिसीज एंड सी में आते हैं प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्कलोजर जो मसालेदार बातें वो इसी में दे रखी है यानी नाइन दैट वी हैव कवर्ड इन द क्लास अच्छा प्रिंसिपल से याद आया हर प्रिंसिपल के अंदर दो चीज दो तरह के डिस्क्लोजर होते हैं मैंडेटरी ऑप्शनल मैंडेटरी डिस्क्लोजर किसके अंदर आते हैं एसेंशियल इंडिकेटर यानी ये जरूरी है ऑप्शनल डिस्क्लोजर का मतलब है लीडरशिप इंडिकेटर मेरे अब आपसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल हम कैसे बायफर्केट करेंगे कि मैंडेटरी में कौन सा जाएगा और ऑप्शनल में कौन सा जाएगा मैंडेटरी में कौन सा जाएगा और लीडरशिप में कौन सा जाएगा सर ये डिपेंड करेगा एफर्ट्स कितने लग रहे हैं जो आसान चीजें होती है ना जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है वो एसेंशियल में जाती है मैंडेटरी में जाती है जिनमें ज्यादा तामझाम होता है जिनमें ज्यादा मेहनत होती है वो किस में जाती है सर वो जाती है आपकी ऑप्शनल में फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल पूछ ही लेता हूं जो आईसीआई ने पूछ रखा है ये सवाल आईसीआई ने पूछा था एम टीपी मे ट्वेंटी में तो मुझे जवाब देते चलना अगर मैं बोलूं, चलो ये ये मैं साथ साथ खेलते खेलते चलूंगा

टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं तो आपने जो पॉलिसी बनाई है एथिक्स को लेके शेयर इट विद एवरीवन शेयर दिस विद द स्टेक होल्डर्स तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है सर एंड टी का मतलब था ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का मतलब है अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं यहां पे एडवर्स इफेक्ट्स किसके देखने होते थे बिजनेस डिसीजंस के तो अगर बिजनेस डिसीजन के कोई एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो वो आप डिस्क्लोज करके चलोगे वो आपने डिस्क्लोज करके चलने तो तीन बातें ध्यान रखना एथिक्स अकाउंटेबिलिटी मतलब शेयर विद अदर्स ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी गड़बड़ हुई है कुछ भी गड़बड़ हुई है एनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस डिसीजन टू एवरी एल्स अब सर सिर्फ खुद करेंगे या दूसरों को भी इंकरेज करेंगे दूसरों को भी इंकरेज करेंगे ऑल द अदर पार्टीज आर अ पार्ट ऑफ योर वैल्यू चेन वैल्यू चेन का मतलब है आपके सप्लायर आपके जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह आगे काम आ रहे हैं ठीक है रिटेलर्स हैं तो सप्लायर्स रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स सबके साथ आपको एथिक्स मेंटेन करके चलने हैं सो एंकरेज अदर्स टू दिस एथिक्स ठीक है एंड

मिनिमाइज द रिसोर्स रिड्यूज रीयूज़, यूज रिसाइकल एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस तो यह कहता है जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं दे शुड लीड टू अटर लाइफ फॉर द कंज्यूमर्स एंड द एंड लाइफ फॉर द कंज्यूमर्स एंड द एंड मिनिमाइज द रिसोर्स कैसे थ्रू द प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्नोलॉजी मुझे एक बात बताना अगर एक कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक बेटर लाइफ दे रही है फॉर द कंज्यूमर्स एंड एंड यूजर्स बाय चेंजिंग द प्रोडक्शन तो कौन सा पी आएगा सर पी टू आएगा कहीं ना कहीं पी टू आएगा और यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन हमने किया था किधर केस स्टडी में तो अगर आपको ध्यान रहे ये जो केस स्टडी पड़ी थी कंपनी ए और कंपनी बी वाली तो कंपनी ए ने क्या किया था आर एंडी स्पेंडिंग करी थी ताकि ये अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा चेंज कर सके ये अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बना सके तो इस आर एनडी स्पेंडिंग के चक्कर में ही हमने यहां पे पी टू एप्लीकेबल कराया था यू गॉट द पॉइंट यस सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए उसके बाद अब आ जाओ पी थ्री पे सर पी थ्री में थ्री को उल्टा करते तो क्या आ जाता है ई फॉर इंप्लॉय तो जब भी आप एम्प्लॉयज की वेलबींग well के बारे में सोचोगे तो प्रिंसिपल थ्री अट्रैक्ट हो जाएगा प्रमोटिंग द वेलबींग ऑफ यानी उनकी डिग्निटी हेल्थ और वेलबींग well का ख्याल रखना है पहले मुझे बताओ तीन तरह के एम्प्लॉज क्या क्या होते थे सर एक सर सिंपल है बच्चे बूढ़े और जवान बच्चे बूढ़े और जवान तो सबसे पहले बात करते हैं बूढ़े लोगों की यानी एजेड तो जो एजेड लोग हैं उनका क्या करना है सर उनको हमेशा चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी उनको लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए उनको चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सो रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड बूढ़े लोगों को और क्या क्या पसंद आता है सर उनको पसंद आता है कि उनके ना प्यारे प्यारे ग्रुप्स बन जाए उनके प्यारे प्यारे ग्रुप्स बन जाए वो योगा वोगा करे मजा आ जाए उनको तो ये कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन सो एजेड लोगों के लिए क्या है रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन जो यंग लोग हैं जो यंग लोग हैं उनको क्या चाहिए सर उनको चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस उनको चाहिए लाइफ में फुल मजे तो ये कहता है वर्क लाइफ बैलेंस शुड नॉट बी चाइल्ड को क्या चाहिए पढ़ाई कराओ चाइल्ड से काम मत कराओ सो प्रिवेंट चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर जहां पे भी किसी का मन नहीं है काम करने का आप उससे काम मत करो ये तीनों लोगों को साथ में क्या चाहिए इनको चाहिए पैसा जो भी वेजेस है वो टाइम पे आए और जो भी वेजेस है वो काफी होनी चाहिए ताकि ये जो भी नीड्स है उनको मीट कर सके और थोड़ा बहुत पैसा सेव कर सके सो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड लिविंग वेजेस कंसिडर

रिस्पेक्ट करते थे तो पांच पांडव वाला गेम क्या है? सर सबसे पहले तो ना आपको को समझना पड़ेगा जो वायलेट हो सकती है ठीक है सर जब आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई इनको सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दो कम इनको सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दो व्हेन यू आर डेवलपिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट या इंक्लूड द ह्यूमन राइट्स इन योर

सच नहीं बोलना सही जवाब देना है जल्दी से बताओ किसको फिक्स करने की जरूरत है एनवायरमेंट को हमें एनवायरमेंट को फिक्स करने की जरूरत है तो पी सिक्स वी हैव टू फिक्स द एनवायरमेंट अच्छा एनवायरमेंट के लिए क्या कोई कंपनी अपने मन से काम करेगी या पॉलिसी बनानी पड़ेगी सर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कंपनी बहुत नटखट है ये मन से काम नहीं करेगी हमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी सो यू हैव टू क्रिएट द पॉलिसीज टू असेस एंड रेक्टिफाई द इंपैक्ट टू द एनवायरमेंट हमको पॉलिसीज बनानी टू टू असेस एंड रेक्टिफाई द द इंपैक्ट एनवायरनमेंट अब सर जब पॉलिसी बनाओगे तो पॉलिसी में क्या क्या आएगा कैसे आप रिसोर्सेज को यूज करते हो सो यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी डन इन अ वेरी ऑप्टिमम मैनर जो भी नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज हैं इनको आपने ऑप्टिममली यूज करना है फिर रिसोर्सेज को यूज करके आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करो इस टर्म्स में कि आपने कितनी वेस्ट रिसाइकल करी कितना पोल्यूशन जनरेट किया कितनी एनर्जी यूज करी सो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन वेस्ट जनरेशन एंड एनर्जी यूज अब जो भी परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करेंगे विद द बेस्ट वन यानी कंपेयर विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस्ट्री टू रिड्यूस रियूज एंड रीसायकल अच्छा एक बात बताओ जब तुमने इन्वायरमेंट से लिया है तो इन्वायरमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा हाँ सर सो वेन यू हैव यूज द रिसोर्सेज तो लास्ट पॉइंट कहता है कॉन्ट्रीब्यूट भी कर दो भैया अरे कंट्रीब्यूट भी कर दो भैया सो कंट्रीब्यूट कर दो टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस रेजिलियंस मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोग क्या करते हैं पेरिस एग्रीमेंट करते हैं वाव सर हम भी आईफुल टावर देखने जाएंगे तो ये कहता है पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जैसी जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करके चलेंगे तो छह बातें तो हो गई छह बातें तो हो गई तो जो भी अभी तक छह बातें बताई फटाफट एक बार इनको बुक से गो थ्रू करते हैं पी टू किसकी बात करता था सर सेकंड हाफ बेटर हाफ यानी हमारी मिसेस मिसेस का मतलब था मिनिमाइज द रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं इन द प्रोडक्शन उसको आप मिनिमाइज करोगे कैसे थ्रू प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी तो अगर कोई कंपनी आर एनडी लगा रही है तो पी टू आ जाएगा वेरी गुड आर का मतलब था रिड्यूस री रिसाइकल एस का मतलब था स्प्रेडिंग अवेयरनेस मेकिंग द कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट देयर राइट्स गॉट इट सर फिर आते पी थ्री थ्री को उल्टा किया तो थ्री को उल्टा किया तो क्या बन गया ई फॉर इंप्लॉइज इंप्लॉइज के जल्दी से पांच पॉइंट बता दो क्या क्या थे सर बच्चे बूढ़े और जवान बच्चों से काम नहीं कराना बूढ़ों को देनी है रिस्पेक्ट और डिग्निटी उनको एसोसिएशन बनाने का पूरा फ्रीडम देना है और साथ ही साथ जवान आदमी को क्या चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस तो ये डिग्निटी एंड फ्रीडम हो गया चाइल्ड लेबर हो गया वर्क लाइफ बैलेंस हो गया टाइम पे पेमेंट देनी है और जो भी पेमेंट देनी है वो इनकी लिविंग वेजेस होनी चाहिए ताकि ये जी पाए साथ ही साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है सो दैट दे हैव इनफ सेफ्टी इन हैंड हरेसमेंट करना अच्छी बात नहीं है प्लस यू शुड कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट

फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे सिस्टम में इंटीग्रेट करके पॉलिसीज बनाएंगे सबको रिस्पेक्ट करेंगे बस रीड करके चलना है पॉइंट ज्यादा मसाला नहीं है Sixth का मतलब क्या था फिक्स द एनवायरमेंट तो पहले पॉलिसी बनाई फिर रिसोर्सेज को यूज किया इन ऑप्टिमम मैनर परफॉर्मेंस को मेजर किया इन द टर्म्स ऑफ कितना पॉल्यूशन आपने रोका ठीक है सर और बताओ और क्या क्या किया पॉल्यूशन रोका कितनी वेस्ट जनरेट करी कितनी एनर्जी यूज करी इस टर्म्स में आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करके चलोगे अब जब परफॉर्मेंस को मेजर किया कंपेयर विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस

रीजन तो मुझे बताओ जो हमारे क्रिकेटर का है, सर, का है। तो याद रखना सेवन थाला थाला फॉर अ रीजन इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी इसकी जो लाइन थी सर वो याद क्या रखनी है? हमको इसको लाइन को हमको याद रखना है कि बिजनेस ऑपरेट बिजनेस ऑपरेट विद इन लीगल फ्रेमवर्क लीगल फ्रेमवर्क नहीं सर एक बड़ी सड़ेली बात लिखी थी सड़ेली मतलब स्टेल स्टेल का मतलब है स्टेच्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क स्टेच्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क सो बिजनेस ऑपरेट विद इन स्टेच्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अब सर जो स्टेच्यूटरी और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है ये पॉलिसीज बनाता कौन है गवर्नमेंट बनाती है सो फ्रेमवर्क ऑफ स्टेच्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्निंग अथॉरिटी तो इसको बस इतना ध्यान रखना बिजनेस ऑपरेट विद इन लीगल फ्रेमवर्क लीगल नहीं लिखना फ्रेमवर्क ऑफ स्टैच्यूटरी एंड लीगल पॉलिसीज यू गॉट द पॉइंट ऑन ऑट यस सर तो एक ये लाइन तो आपने ध्यान रख के चलनी ही चलनी है उसके बाद तीन बातें कहता है सर क्या जब भी पॉलिसी बनेगी या पॉलिसी के बारे में किसी को बताना है आपने उसमें कंट्रीब्यूट करना है सो यू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिसी बनाना एंड पॉलिसी के बारे में बताना बनाना मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन बताना मतलब पॉलिसी एडवोकेसी क्या हम ये अकेले अकेले करेंगे या एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं सर एसोसिएशन की मदद ले सकते हो जो भी कलेक्टिव एसोसिएशन होती है जैसे इंडस्ट्री चैंबर्स और यूनियंस यू कैन यूटिलाइज देम यू कैन यूटिलाइज देम फॉर पॉलिसी एडवोकेसी एंड फॉर्मुलेशन इसी के ऊपर

ओ, oh. जो मैं मेंबर हूं ट्रेड एसोसिएशन का ये मेंबरशिप ऑफ ट्रेड एसोसिएशन ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है जल्दी से बता दो इज इट अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर और अ ऑप्शनल डिस्क्लोजर सर दिस इज मैंडेटरी डिस्क्लोजर दिस इज अ मैंडेटरी डिस्कलोजर नॉट अ ऑप्शनल डिस्कलोजर वेरी गुड बट अगर मैं बट अगर मैं क्या करता हूं सर मैं अपने आइडियाज देता हूं मैं अपने आइडियाज कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता हूं टू द गवर्नमेंट मैं गवर्नमेंट वगैरह को आइडियाज कॉन्ट्रीब्यूट करता हूं अब ये मैंडेटरी डिस्कलोजर है या ऑप्शनल डिस्क्लोजर है अपने आइडियाज देना अपने इनपुट्स देना आइडिया भी छोड़ दो सही वर्ड तो इनपुट्स है तो जो मैं इनपुट्स कंट्रीब्यूट करता हूं टू द गवर्नमेंट सर दिस इज नॉट मैंडेटरी दिस इज ऑप्शनल ये हमको ध्यान कैसे रहेगा मैंने कहा मेंबर है उसके लिए हमारी जान पे ना तो वो ऑप्शनल होती है और आपके लिए मैंडेटरी होता है ये आपने एक बेसिक सी बात ध्यान के चलनी है यू गॉट द पॉइंट यस सर तो प्रिंसिपल सेवन हो गया अब बात करते हैं सर प्रिंसिपल एट की प्रिंसिपल एट क्या कहता था इधर फोकस करो प्रिंसिपल एट कहता था प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट याद रखना प्रिंसिपल एट क्या कहता था इक्विटेबल डेवलपमेंट इक्विटेबल डेवलपमेंट मुझे एक बात बताओ सबसे पहले क्या करना है सर आपने देखना है इसमें हमें फील कौन से टॉपिक की लेनी थी कि सर हम एक हाईवे बना रहे हैं हम एक हाईवे बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट एरियाज में अब जब नॉर्थ ईस्ट एरियाज में आप हाईवे बनाओगे तो जंगल में जितने भी ट्राइबल लोग रह रहे हैं उन सबको हटाना पड़ेगा पेड़ पौधों को हटाना पड़ेगा फ्लोरा फ्लोराफोना को हटाना पड़ेगा तो जब भी आप इस तरह का हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है वट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्टिविटीज ऑन द पीपल लिविंग देयर जो बेचारे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे वहां पर लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा आपको वो देखना पड़ेगा जब इंपैक्ट आएगा आपको पता लग गया कुछ एडवर्स इंपैक्ट होगा उन बिचारों की आप जगह ले लोग

उनके लिए आप क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाओ उनके लिए आप सी एस आर एक्टिविटीज करो ताकि उनको मजा आ जाए ठीक है सर दूसरी बात जिन लोगों की आपने जमीन हड़पी है जिन लोगों के घर आपने हड़पे हैं उनको आपको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी तो वैसे तो आपको डिस्प्लेस करना ही नहीं चाहिए उनको वैसे तो आपको डिस्प्लेस करना ही नीचे बट अगर आप उनको डिस्प्लेस कर रहे हो देन यू शुड प्रोवाइड देम फेयर कंपेंसेशन टू द अफेक्टेड पीपल तो ये आपने एकदम बढ़िया तरीके से पांच पॉइंट ध्यान रखने हां भेड़िया मूवी जिस बच्चे ने भेड़िया मूवी देख रखी है उसको तो ये बात समझ आ जाएगी एकदम आराम से तो ये कह रहे हैं सिस्टम टू आइडेंटिफाई हु आर द अफेक्टेड पीपल देन जो जो भी आप, जो भी आपका एडवर्स इफेक्ट है उसको रिव्यू करो measure करो मेजर और उसको रेक्टिफाई करो थ्रू एक्शन प्लान सर अब एक्शन प्लान क्या थे सीसी क्रिएटिव प्रोडक्ट लेके आएंगे सी एस आर एक्टिविटीज करेंगे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए और जो भी अफेक्टेड पीपल है जिनके आपने घर लिए उनको आपको फेयर कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी यही बात आपके पी एट में लिख रखिए सर क्या की हैव द सिस्टम टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑन सोशल कल्चरल इकनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल सो बेसिकली सिम टू सी वट इज द इम्पैक्ट ऑन द पीपल इसके बाद सर हमारे जो भी एडवर्स इंपैक्ट है उनको रिव्यू करो मेजर करो मिटिगेट करो थ्रू एक्शन प्लान एक्शन प्लान क्या था सी सी

कंज्यूमर शुड बी फाइन सर कंज्यूमर शुड बी फाइन यानी हमारा कंज्यूमर फाइन कब रहता है जब उसको बार-बार डालना -बार पड़ता है या फिर कार्ड को टैप किया मजा लिया कार्ड को टैप किया मजा लिया सर जब कार्ड को टैप किया तब मजा लिया कार्ड को टैप लिख किया मजा लिया मतलब टैप फ्री टैप फ्री कार्ड गिव्स यू यूनिवर्सल एक्सेस टैप फ्री कार्ड गिव्स यू यूनिवर्सल एक्सेस टैप फ्री कार्ड का क्या मतलब था टी फॉर ट्रांसपेरेंसी हमें अपने कंज्यूमर्स को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना है जो भी हमारे प्रोडक्ट्स के एडवर्स इंपैक्ट है वो एडवर्स इंपैक्ट कंज्यूमर पे हो सकता है नेचर पे हो सकता है इट कैन बी ऑन द सोसाइटी ऑल्सो ठीक है सर दूसरी बात

हमने डिस्लोज द एडवर्स इंपैक्ट की बात कहां कहां करी सर हमने बात करी है तीन पीज में एक तो पहले डिस्कलोज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ योर बिजनेस डिसीजंस ऑन डिसीजन फिर डिस्कलोज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन पी नाइन एंड आखिरी में डिस्कलोज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ योर ऑपरेशन इन पी तो ये ध्यान रखना यहां पे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर सब जगह डिस्क्लोजर दे रखा है हम एग्जाम में क्या लिखेंगे तो जब भी बात होगी बिजनेस डिसीजंस की वन प्रोडक्ट्स की नाइन और अगर बात हो रही है ऑपरेशंस की तो इट इज पी फोर

ट्री बेसिस पे कब से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री मैंडेट्री कब से थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी फोर पीरियड एंडिंग से ठीक है सर अब आता है सवाल मैथोलॉजी भाई साहब चार से पांच नंबर का क्वेश्चन फ्री के नंबर है जल्दी से बताओ मेथडोलॉजी में क्या था सर तीन चीजें घर बैठे जीतो जैकपॉट ऑन साइट जाके असेसमेंट करो फाइनल रिपोर्ट दे दो कम ऑन घर बैठे जीतो जैकपॉट ऑन साइट असेसमेंट करो और फाइनल रिपोर्ट दे दो घर बैठे मतलब प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द ई रिपोर्ट ठीक ऑन साइट जाके असेसमेंट करेंगे असेसमेंट करके जो भी आपकी फाइंडिंग्स निकलती हैं, उनको रिपोर्ट कर दो सबमिशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑन साइट असेसमेंट अब उन फाइंडिंग्स पे सामने वाली पार्टी ने जो आपको क्लेरिफिकेशंस दी हैं, जो आपको सबमिशन दिए उनको भी आप रिव्यू करके चलोगे सो रिव्यू ऑफ द रिस्पॉन्सिस एंड क्लैरिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग तो फ्लो में चलना सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट उसके बाद हमने क्या ऑन साइट असेसमेंट करी असेसमेंट करके फाइंडिंग्स अपनी सबमिट करी जो फाइंडिंग सबमिट करी उस पर जो भी रिस्पॉन्स आए जो भी क्लैरिफिकेशन आई उनको रिव्यू किया अब इस सब के बाद हम क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे जो हमारी असेसमेंट रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे फिर सबमिट कर देंगे घर लेके चौड़ी जाएंगे सबमिट कर देंगे सो प्रिपरेशन ऑफ द असेसमेंट रिपोर्ट एंड इशू ऑफ द असेसमेंट रिपोर्ट तो ये आपने बस छह बातें ध्यान रखने जल्दी से मुझे को एक बार रिवाइज करा दो ना घर बैठे क्या किया प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द ईएसजी रिपोर्ट ऑन साइट जाके क्या करी ऑन साइट असेसमेंट असेसमेंट करके जो भी हमें दिक्कतें मिली फाइंडिंग्स मिली उनको सबमिट कर दिया उन फाइंडिंग्स पे जो सामने वाले ने क्लेरिफिकेशन दी जो भी उसने हमको सबमिशन दी उनको रिव्यू किया उसके बाद हमने फाइनली क्या किया असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करी सबमिट करी असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करी सबमिट करी यही सेम टू सेम बातें यहां पे आपकी मेथडोलॉजी में लिख रखी है

जब मैं बात करता हूं क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की तो रिस्क वाला ऐसे कौन सा है ऐसे 315। सौ पंद्रह आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी टी एंड इंटरनल कंट्रोल तो आप बोलोगे हम एंटिटी को समझेंगे तो हमें क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क समझ आएगी अच्छा एक बात बताओ ये कब कब रेलिवेंट होगी टू ऑडिट को इन सर्टेन इंडस्ट्रीज और सेक्टर एग्जाम्पल कौन सबसे ज्यादा एसी की हवा खाता है बैंक इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर इन सब केसेस में इनको कंसिडर करना जरूरी है अब सर इसको हमें ऑडिट रिपोर्ट से लिंक करना है कि पब्लिक को कैसे बताएंगे तो पब्लिक जानना चाहती है इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं इन्वेस्टर्स सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क प्लस हाउ दे वर डेल्ट ड्यूरिंग ऑडिट तो ऑडिटर शुड फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स कौन कौन से स्टैंडर्ड एसे सिक्स सर सेवन जीरो वन हमारे दिमाग में कैसे आएगा याद है सेवन जीरो की थी कैम की कैम का मतलब क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दोस्ट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द्लसिफिकेंट जे आर टी सिग्निफिकेंट जजमेंट सिग्निफिकेंट रिस्क सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जब सिग्निफिकेंट रिस्क की बात हो रही है तो कैम की बात तो होगी सो एज पर एस एवन जीरो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स दैट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट एंड हाउ देवर एड्रेस्ट आपने इनके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करे ठीक है सर

जो बी आर एस आर रिपोर्ट है यह कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आती है ओ यानी तुम यह कहना चाहते हो यह अदर इंफॉर्मेशन है हाँ तो जब यह अदर इंफॉर्मेशन है तो कौन सा एस जाग जाएगा एस 720 सो आल्सो रीड द अदर इंफॉर्मेशन फॉर कंसिस्टेंसी एज पर एस 720 तो बस आपने इतनी सी ही बात ध्यान रखें चलनी है तो ऐसे दो अंडरस्टैंड द एंटिटी फॉर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्को पंद्रह फिर आपको लगा देंगे आखिरी में आखिरी में हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है ग्लोबल ट्रेंड्स वाला इसको बस एक बार रीड करके चलना समझ के चलना कि हाँ ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले Having 93% of the world's largest 250 corporates. Oh my God! It is used over in 100 countries. 100 countries में ये सब चीजें use हो रही हैं. आजकल sustainable reporting चल रही है. अब इसमें तीन चीजें हैं. तीन global reporting standards वगैरह की बात करके. एक तो global reporting initiatives जो वही बात करता है. EES, economic, environment और social. तो जो पहले बात कर रखिये वही सेम टू तो सेम बात लिख रखिए जी आर आई में फिर बात करते सीडीपी सीडीपी मतलब है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट तो जो भी आपका एनवायरमेंट रिलेटेड परफॉर्मेंस डेटा है कि आपने क्या क्या एमिशंस करे कितना वाटर यूज किया कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेस यूज करे ये सब आपको बातें बता के चलनी है ठीक है सर फिर आता है आईआईआरसी IIRC, IIRC में क्या आएगा इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में वही सिक्स टाइप्स ऑफ कैपिटल शिमला सोशल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल और क्या हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल मैनुफैक्चर कैपिटल नेचुरल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करता है आई आई आरसी तो मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट है इसको गो थ्रू कर लेना दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू

अच्छे से एक बार क्वेश्चन को थ्रू कर लेना जब आप क्वेश्चन को थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा शुभम सर ने सारी बातें रिविजन में ऑलरेडी कवर कर दी है सो विशिंग यू द बेस्ट एकदम मन लगा के अच्छे से पढ़ो एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑसम डे हेट हमें ही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते लगे रहो मित्रों लगे रहो